गौकशों के बीच हुई मुठभेड़। गौ तस्करी करने वाले बदमाशों के साथ अकबरपुर पुलिस की मुठभेड़। मुठभेड़ के दौरान एक गौ तस्कर के पैर में लगी गोली। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने दी थी दबिश। दबिश के दौरान ओमी कार में 1.5 क्विंटल गौ मांस, 7 लाख रुपया की नकदी, एक तमंचा और कारतूस हुए बरामद। पुलिस ने 3 गौ तस्करों को गिरफ्तार किया। एक गौ तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर हो गया फरार। अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र 12 गांव के पास पुलिस से हुई मुठभेड़। कृपया आप सबको अवगत कराना है, थाना अकबरपुर के 12 गांव में गोमांस परिवहन की मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम द्वारा जब दबिश दी गई तो मोहम्मद अली के घर के पास 2 मारुति वैन पे लगभग 150 किलो गोमांस, 7 लाख रुपए, गाय काटने के उपकरण बरामद हुए। साथ ही 2 अभियुक्त मौके से गिरफ्तार हुए। शेष 2 अभियुक्त रात के अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। पुलिस टीम द्वारा उनका पीछा किया गया। पुलिस टीम के बढ़ते दबाव को देखकर उनके द्वारा पुलिस टीम पर जानलेवा हमला, फायरिंग की गई। पुलिस ने आत्मरक्षार्थ न्यूनतम आवश्यक बल का प्रयोग किया, जिससे जवाबी कार्रवाई में उन गौ तस्करों में रियाज के पैर पर गोली लगी। रियाज को प्राथमिक उपचार के लिए CHC भेजा गया। एक अभियुक्त मौका पाकर फरार हो गया, जिनसे 1 अदद तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद हुए और 1 मोटरसाइकिल बरामद हुई। उपरोक्त घटनाक्रम पे अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही। विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाओं से युक्त JP डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी सेंटर, मथुरा का पहला कंप्लीट रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी डायग्नोस्टिक फैसिलिटी से सुसज्जित। डॉक्टर दीपक अग्रवाल एंड डॉक्टर निधि अग्रवाल, JSR टावर, गोवर्धन क्रॉसिंग, NH90।